कासगंज जिले के सिंधपुरा कैनरा बैंक में गोल्ड लोन के नाम पर करोड़ों रुपयों के घोटाले का मामला सामने आया है। बैंक प्रबंधक और एक स्थानीय सराफ की मिली भगत से दर्जनों ग्रामीणों के खाते से नकली सोना जमा कर गोल्ड लोन लिया गया और जब लोगों को मामले की भनक लगते ही खाता धारक जिलाधिकारी कार्यालय पहुँचे तो शिकायती पत्र DM को सौंप कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। चंदन गुप्ता, मेरे पिताजी का नाम श्री रविंद्र कुमार गुप्ता, मोहल्ला नेहरू नगर, कस्बा सुड़पुरा के हम लोग निवासी हैं। राहुल देव वर्मा कैनरा बैंक में वैल्यूअर हैं। हम अपनी एक छोटी सी 25,000 रुपये की GC होती है वो जमा करने गए थे। उन्होंने हमसे फर्जी तरीका से साइन करा के मैनेजर के सामने हमारे खाते में गोल्ड लोन रख दिया। गोल्ड लोन रखने 2016 में 9/9/2016 में हमारे खाते में जो गोल्ड लोन रखी गई है, हम बार बार मैनेजर से और राहुल से कहते रहे कि हमारा ये खाता खाली कराओ, MPA चला जाएगा, मुझे कुछ हो जाएगा इसमें। तो वो कहते रहे आज करा देंगे, 2 महीने 4 महीने ऐसे करके मुझे लगभग 2 साल से टहलाते रहे। टहलाने के बाद अब जब 2016 में भी ऑडिट हुआ तब भी सोना पाया गया, और 2017 में जब ऑडिट हुआ है जब भी सोना पाया गया। उसमें जो वैल्यूअर आए थे गंडू मारा था, उन्होंने सबरा सोना गोल्ड ही बताया। और आज 2018 में जब आया है नया मैनेजर, जो बैंक प्रबंधक नए आए हैं, मनोज सिंह चले गए पुराने वाले, उनके टाइम में जो गोल्ड लोन हुई है अब जो नए आए हैं उन्होंने आके पूरा भंडा खोल दिया। क्या गोल्ड लोन आपके द्वारा जमा किया गया था या फिर उन्होंने ही अपने तरफ से जमा किया था? हम लोग जितने भी 164 खाते धारक हैं गोल्ड लोन के, उन्हें यही नहीं मालूम है कि गोल्ड लोन कब लिया गया और कब रखा गया है। इस मामले पर जिलाधिकारी का कहना है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक कैनरा बैंक है, कैनरा बैंक में अभी 10-12 लोगों के साइन से दरखास्त आई है कि गोल्ड लोन के नाम पर उनके नाम लोन दिखा दिया गया है, जबकि उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे, उनको पता ही नहीं कि उन्होंने कोई लोन लिया है। कुछ गोल्ड रख करके लोन लिए हैं उनका तो ठीक है, लेकिन तमाम लोगों के गोल्ड लोन में गोल्ड फर्जी पाया गया है। तमाम लोग ऐसे हैं जिनका उससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन उनके नाम पर लोन कर दिया गया है। LDM आउट ऑफ स्टेशन है, उससे मेरी बात फोन से हुई थी। उनका यह कहना था कि सर इसमें RBI की इंटरनल ऑडिट टीम लगी हुई है, वो ऑडिट कर रही है। उनके ऑडिट में मामला प्रकाश में आया है, चूँकि एक बड़ी ऑडिट टीम है, इस तरह की जो भी अनियमितताएं हैं वो सब पकड़ी जाएंगे और इसमें कार्रवाई होगी। प्रशासन ने पूरे मामले की जांच RBI की इंटरनल ऑडिट टीम को सौंप दी है। टीम के जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कासगंज से विवेक रॉय, पंजाब केसरी TV।